नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बुप्रोपियोन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, बुप्रोपियोन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और बुप्रोपियोन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि बुप्रोपियोन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में बुप्रोपियोन टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। बुप्रोपियोन टैबलेट का उपयोग डिप्रेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। बुप्रोपियोन टैबलेट चिंता व तनाव को दूर करती है। इसके अलावा बुप्रोपियोन टैबलेट का उपयोग स्मोकिंग व तंबाकू को छोड़ने के लिए भी किया जाता है। स्मोकिंग व तंबाकू को छोड़ने के बाद उस व्यक्ति को कुछ निकोटीन विथड्रॉल सिम्टम होते हैं, जैसे स्मोकिंग व तंबाकू को खाने की बहुत तेज इच्छा होना, सिर दर्द, नींद न आना, भूख ज्यादा लगना, डिप्रेशन, शरीर में थकान और बेचैनी आदि लक्षण स्मोकिंग या तंबाकू छोड़ने के बाद हो सकते हैं। इसलिए बुप्रोपियोन टैबलेट स्मोकिंग या तंबाकू छोड़ने के बाद हुए इन लक्षणों को कंट्रोल करने में मदद करती है। बुप्रोपियोन टैबलेट 150 mg व 300 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि बुप्रोपियोन टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। बुप्रोपियोन टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर बुप्रोपियोन 300 mg टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं और बुप्रोपियोन 150 mg टैबलेट को दिन में एक से लेकर दो बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन कुछ व्यक्तियों को डॉक्टर बुप्रोपियोन 150 mg टैबलेट को दिन में तीन बार भी लेने की सलाह दे सकते हैं। बुप्रोपियोन टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको बुप्रोपियोन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना बुप्रोपियोन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि बुप्रोपियोन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में बुप्रोपियोन टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में बुप्रोपियोन टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, मुंह में सूखापन, नींद न आना, भूख कम होना, वजन कम होना, पसीना ज्यादा आना, शरीर में सुस्ती व थकान होना, सिर दर्द और सिर चकराना आदि साइड इफेक्ट्स बुप्रोपियोन टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि बुप्रोपियोन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बुप्रोपियोन टैबलेट के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बुप्रोपियोन टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग और ऐसी मशीनों पर काम नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि बुप्रोपियोन टैबलेट की वजह से आपके दिमाग की सतर्कता कम हो सकती है। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं बुप्रोपियोन टैबलेट को ले सकती हैं या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बुप्रोपियोन टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्टर ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही बुप्रोपियोन टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को बुप्रोपियोन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को बुप्रोपियोन टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका बुप्रोपियोन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।